हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी। लास्ट संडे वी वॉन्ट टू अ गार्डन इन नेबरहुड, वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। लास्ट संडे हम पास वाले गार्डन में गए थे जहाँ पे हमने हाइड एंड सीक छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली और वहाँ पे बहुत ही मज़े किए। आफ्टर सम टाइम दिटी सेट लेट अस प्ले अ न्यू गेम टूडे, वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। तो कुछ देर बाद दीदी कहती है कि आज हम एक नया गेम खेलेंगे जो मैंने लास्ट ईयर कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव अ टच इट। तो मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी, प्लांट फेरी आप सभी को कुछ नाम बोलेगी, उसे जाके आपको टच करना होगा, जिस चीज़ का नाम बोलेगी उसको जाके आपको टच करना होगा। द गेम बिगेन, दीदी सेट द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। तो गेम स्टार्ट होता है और दीदी जो प्लांट फेरी बनी होती है वो सभी को कहती है कि द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट, आप सभी को प्लांट्स को टच करना है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड द प्लांट। तो यह सुन के सभी बच्चे जो है वो प्लांट्स की ओर प्लांट्स को टच करने के लिए भागते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है जिसमें जो बच्चे हैं वो प्लांट्स को टच कर रहे हैं और जो तो प्लांट फेरी है दीदी वो सेंटर में बैठी है जिन्होंने ब्लू कलर का कुर्ता पहना है। दीदी सेड वेरी गुड एवरी वन इज टच एट अ प्लांट। तो दीदी कहती है कि वेरी गुड, सभी ने प्लांट्स को टच किया, बट यू हैव नोटिस एट दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पर क्या आपने नोटिस किया जो प्लांट है वो सभी अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटल प्लांट, सेड शबनम। तभी शबनम कहती है कि दीदी आप भी एक लिटल प्लांट छोटे से प्लांट पे बैठे हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या आप बता सकते हैं कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है। तो हम देखते हैं दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें सेंटर में जो है वो दीदी बैठी है। तो दीदी कहाँ बैठी है, दीदी ग्रास पे बैठी है। द गेम स्टार्टेड अगेन, द प्लांट फेरी नाउ सेट टच अ ट्री विच हैज़ इधर अ थिक और थिन ट्रंक। तो गेम फिर से स्टार्ट होता है और प्लांट फेरी सभी को कहती है कि अभी आपको मोटे तने या पतले तने वाले ट्री को टच करना है। ट्रंक यानी तना, जो पेड़ का मोटा और पतला तना होता है उसे कहा जाता है ट्रंक। थिक यानी मोटा और थिन यानी पतला। तो यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक में है मोटे तने वाला ट्री और एक है पतले तने वाला ट्री। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। तो सभी बच्चे दौड़ के जाते हैं और थिक और थिन ट्रंक्स वाले ट्रीज को टच करते हैं। हैव यू सीन अ ट्री विथ ट्रंक एज थिक एज द वन शो इन द पिक्चर, क्या आपने कभी इस तरह के थिक ट्रंक वाले ट्री देखे है। अगर देखे है तो कौन से देखे है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। तो माइकल को ये गेम में बहुत ही मज़ा आने लग गया था, उसे इंटरेस्ट आ रहा था। उसने सोचा कि लकी फेरी कितनी लकी है, शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, वो हम सभी को ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, और अब मुझे प्लांट फेरी बनना है, सेड माइकल। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलॉट अ बॉय फेरी, तो सभी बच्चे ये सुन के हंसने लगते हैं कि एक लड़का फेरी बनेगा। दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, लेकिन वो सभी न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, तो जो न्यू प्लांट फेरी माइकल है वो सभी को कहता है कि जल्दी से मुझे कुछ लीव्स ला के दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। तभी दीदी कहती है कि आपको प्लांट्स के लीव्स तोड़ने नहीं है। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो सभी बच्चे जो ग्राउंड पे जो पत्ते पड़े होते प्लांट्स के वो उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लीव्स के पिक दिखाए गए हैं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन्स, क्या सभी लीव्स के कलर शेप्स और मार्जिन सेम है। देयर आई एम सेट आई डिड नॉट नाउ दैट देयर वेयर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, लुक सम आर राउंड सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्राइंगल। तो दयाराम कहता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है
इन सभी के अलग अलग टाइप के लिए उसे कुछ राउंड है, कुछ लॉन्ग है, तो कुछ ट्राइंगल है। अमु सेट दे आर सो ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल। तो अमू कहती है कि इन सभी के तो कलर भी अलग अलग है, सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येल्लो। कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है और कुछ तो येल्लो है, रेड एंड पर्पल। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। रेड कलर के भी है, पर्पल कलर के है और एक तो ग्रीन है लेकिन उसके ऊपर जो पैचेस है वो वाइट कलर के है। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। देखो इनके जो मार्जिन्स है वो भी सभी के अलग अलग है। सम हैव अ स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन। कुछ के स्ट्रेट मार्जिन्स है और कुछ के अनइवन है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक्स लाइक अ शव, सेड शबनम। तो शबनम कहती है कुछ के मार्जिन्स तो शव है। अमू सेट शबनम, अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अमू और शबनम दोनों जोर से कहते हैं कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेट नो टूडे, नॉट टूडे, मे बी द नेक्स्ट संडे। तो दीदी कहती है कि नहीं नहीं आज नहीं, अगले संडे, क्योंकि इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया है वो घर जाने का वक्त हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइडेड अ पोएम फॉर एवरीवन। तो जाते वक्त सभी दीदी ने सभी के लिए एक पोएम गाई है। तो हम देखेंगे अभी जो पोएम है दीदी ने गाई है। रेड पर्पल एंड एवन येल्लो, सम ग्रीन पेट एंड लॉस, लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड सेट्स। तो जो लीव्स है वो अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ रेड पर्पल और येल्लो कलर के होते हैं, उनका वेट भी अलग अलग होता है। और जो डिफरेंट काइंड के लीव्स होते हैं उनके शेप्स एंड शेड्स भी अलग अलग होते हैं। सम आर लाइक एलिफेंट ईयर एंड सम आर प्ले लाइक डेविल, सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम आर इवन ईटन लाइक अ पेटल। तो कुछ जो लीव्स होती है वो बड़े होते हैं एलिफेंट के कान जैसे, कुछ जो होते हैं वो खेलने जैसे होते हैं प्लेफुल लाइक अ डेविल, और कुछ जो होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो छोटे छोटे जो चीटियाँ होते हैं उन्होंने खाए होते हैं। एंड इन द एर्ली डाउन डार्केस्ट यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टायर लाइक द डेव। कुछ जो पत्तियाँ होती है उनके सुबह के वक्त जो है उनके ऊपर ह्यू होता है। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीस, सम आर हियरी एंड सम प्लेन। कुछ जो पत्तियाँ होती है वो बटरफ्लाइज की तरह होती है और कुछ जो होती है छोटी छोटी मक्खियों की तरह होती है। कुछ के जो होते हैं बाल होते हैं और कुछ जो होती है वो प्लेन होती है। सम ट्राई अप टू लुक थ्रू एंड सम इवन रिसेम्बल क्रेंसी। हुश फुश स्केटियल एंड ब्लटर इन द प्रेजी थे ऑल द मटर, ऑल डे लॉन्ग थे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट थे स्लिप अवे। जो जोर जोर से हवा चलती है तभी उन पत्तियों से आवाज़ आती है, वो पूरे दिन स्माइल करते और खेलते हैं, और जब नाइट हो जाती है तभी वो सभी सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। जो लीव्स होते हैं वो सभी डिफरेंट काइंड की होती है, सभी के शेप्स अलग होते हैं, कलर होते हैं और मार्जिन्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ये जो पोएम लिखी है वो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है, जो हिंदी से ट्रांसलेट की गई है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है द प्लांट फेरी वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।